हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काउंटिंग बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं रेडमी का 12C मॉडल, जो कि अप्रैल की फर्स्ट सेल में लॉन्च हुआ है और मैंने उस फर्स्ट सेल से ही इसको लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रेडमी 12C लोअर सेगमेंट का फ़ोन है जो कि मुझे पड़ा है सिर्फ 899 रुपीज़ में, और इस पर कार्ड ऑफर भी था। और मैंने लिया है 4 GB RAM, 64 GB स्टोरेज वाला वेरियंट लिया हुआ है, जिसमें MI क्लेम करता है मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर का यूज़ करना, 5000 mAh की बैटरी देता है और 50 MP की कैमरा यूनिट है इसमें। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। इस USB केबल को इग्नोर करें, मैंने अलग से ऑर्डर किया था। अब हम अनबॉक्स करेंगे फ़ोन को और देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन 10,000 के नीचे अगर आपका बजट है तो उस आपके लिए बेस्ट है। फिंगरप्रिंट भी मिलता है इसमें, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, इसमें वर्चुअल रैम एक्सटेंड करने की भी फैसिलिटी दी हुई है। अगर आपके प्रोसेसर पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है तो वो अपने आपको 5 GB तक, 5 GB तक अपने आपको एक्सटेंड कर सकता है, वर्चुअल रैम बना सकता है आपके स्टोरेज से लेकर के। आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलता है, प्लस 2 SIM लगाने का स्लॉट अलग से मिलता है। इस फोन का डिस्प्ले भी अच्छा है, 6.71 इंचेस का डिस्प्ले है इसका, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है। तो इस प्राइस में रेडमी बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। तो आइए बाकी चीज़ें हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपना फोन देख पाते हैं जो कि एक लेमिनेटेड पॉलिथीन में पैक है। फ्रंट से बहुत ही प्यारा लग रहा है, बैक से और भी प्यारा लग रहा है। ये बैक को बहुत ही अच्छा फिनिश देने की कोशिश करी है रेडमी ने, और ये एक डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़, आज भी MI अपने फ़ोन में माइक्रो USB पोर्ट देना नहीं बंद कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के नॉर्म्स के बावजूद टाइप सी का यूज़ नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ से IR ब्लास्टर भी हटा दिया गया है, इसका मतलब आप अपने फोन को अब रिमोट की तरह नहीं यूज कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, कैमरा यूनिट दिख रही है, फ्लैश है। फिनिशिंग के हिसाब से फोन काफी अच्छा है फ्रेंड्स। आइए अब इसको बूट करते हैं और आगे का सेटअप करते हैं। तब तक हम बॉक्स के अंदर की चीजें चेक कर लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल रही है। यहाँ हमें मिलती है SIM इजेक्टर पिन और एक दो लीफलेट, यूजर मैनुअल। एक माइक्रो USB केबल हमें मिलती है। और हमें मिलता है एक पावर एडाप्टर, बाकी बॉक्स में कुछ भी नहीं है।
तो फ्रेंड्स आइए करते हैं अपने फ़ोन को सेटअप और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। फुल ब्राइटनेस करके मैंने डिस्प्ले चेक करने की कोशिश की है, डिस्प्ले इज ओके। नाउ लेट्स चेक द कैमरा, कैमरा इज आल्सो गुड। तो फ्रेंड्स ये था अनबॉक्सिंग प्लस सेटअप वीडियो Redmi 12C का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल काउंटिंग बाइट्स।